अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? और अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और आज है सेकंड डे और हम लोग पहुँच गए हैं ये जान मार की। तो मेहमान आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और मैं भी पहुँच गई थी। और मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ी थोड़ी जो है व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, और ये इसकी मेन इंटरेस्ट है। और ये बहुत ही अच्छी मार्की है और बहुत ही खूबसूरत इसमें इन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। और ये मैन पे ये मिरर लगा हुआ था और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से जो है मेन इंट्रेंस है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई है फुल फ्लावर्स की। स्टेज बहुत अच्छा तैयार हुआ था, बहुत ही डिसेंट सी नाइस सी इसकी डेकोरेशन हुई हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये जो लेडीज़ वाली साइड थी, यहाँ से मैंने सोचा कि मैं आराम सुकून से एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं जी इसकी यहाँ से इंटरेस्ट है। और ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है इसको। और माशाल्लाह मार्की की जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी लग रही थी। और हम कुछ टाइम थोड़ा सा पहले आ गए थे, इसलिए अभी इतने ज़्यादा लोग तो नहीं थे। और बेहतर यही मैंने कोशिश की है कि तकरीबन जिस जिस की जहाँ से मैंने वीडियो बनाई है वहाँ से उसको मैं क्रॉप करती हूँ, क्योंकि फैमिली में प्राइवेसी भी होती है और कुछ को नहीं पसंद ये सब कुछ। तो फिर अच्छी बात है कि आप ना पहले से एहतियात करें। और ये यहाँ की मैं डेकोरेशन की वीडियो बना रही हूँ, अब मैं यहाँ आराम से बना रही हूँ ताकि मैं सारा आपको दिखा सकूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी नाइस डेकोरेशन थी। और यहाँ पे बहुत से लोग जो है पिक्चर्स भी बना रहे थे। और ये अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ज़ैनब और ज़ैनब की जो चची है वो पिक्चर्स बना रही थी। अब यहाँ पे बारात आ चुकी थी और इसकी मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बगी में जो है दूल्हे की बहनें भी थी, तो अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे किसी की वीडियो आ जाए और कुछ हाईलाइट हो जाए, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे बारात की वेलकम के लिए जो है प्लेट्स जो है रेडी हो रही हैं। और यहाँ पे मेरी जो देवरानी है और मेरी जो कज़न्स हैं सब जो है प्लेट्स तैयार कर रही हैं वेलकम के लिए। और यहाँ पे जो है मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रही हूँ। अब हमारी प्लेट्स तैयार हो गई हैं और ये सब खड़ी हुई हैं वेलकम के लिए। और ये है रास्ता रुकाई, ये यहाँ पे जो है भाभियाँ करती हैं दुल्हन की और ये रस्म है। तो यहाँ पे हम लोग प्लेट्स लेके खड़े हुए थे और दुपट्टा पकड़ के खड़े हुए थे। और अब जो है बारात आ चुकी थी और हम जो है रस्म कर रहे थे रास्ता रुकाई की। और ये छोटा जो है दूल्हा और ये दूल्हे का भांजा है, तो यहाँ पे इसने सेम दूल्हे जैसी शेरवानी वेयर की हुई है। ये जो दूल्हे के पापा हैं ये वो थे और इन्होंने बोला कि आप लोग ना हमसे चेक ले लें। और काफ़ी शोल मेला लगा यहाँ पे। अब हम लोगों ने जो है इतनी देर नहीं लगाई और जो हम लोगों ने डिमांड की उन लोगों ने हमारी डिमांड पूरी की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रस्म बहुत अच्छे से अदा हुई हमारी। अब जो है हमारी रस्म हो चुकी है और अब दूल्हा जो है इंटर हो चुका है। और ये दूल्हे की सारी फैमिली है, दूल्हे के भाई हैं, दूल्हे के कज़न्स हैं, सब जो है हम इनकी ना इनका वेलकम कर रहे थे। अब यहाँ पे इनकी एंट्री हो चुकी थी और दूल्हे के साथ दूल्हे के मामा पापा थे और दूल्हे की बहनें थी। और अब यहाँ पे हो रही है सीट की रस्म और यहाँ पे दुल्हन की बहन और मेरी देवरानी और मैं जो है हम लोग बैठे हुए थे सीट की रस्म कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर रस्म अच्छे से अदा होगी क्योंकि आपको लोगों को पता है कि जो टाइमिंग होती है हॉल की या मार्की की, फिर हम लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते और फिर उसने उस टाइम पर बंद भी होना है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि जितनी भी रस्में हैं वो जल्दी से अदा हों। अब यहाँ पे जो है मुझे पता चला कि यहाँ दुल्हन आ चुकी है गाड़ी में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम इसको अंदर ब्राइडल रूम में लेके जाते हैं। और यहाँ पे जो है मेरी जो छोटी नंद है वो भी आ चुकी थी
और यहाँ पे हम लोग जो है मुकद्दस को लेके आ रहे थे ब्राइडल रूम में। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था और ये बहुत प्यारी लग रही थी, और इसकी ज्वेलरी, इसका ड्रेस और माशाल्लाह इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही थी। बस अल्लाह पाक हर बहन बेटी की नसीब अच्छे करे। और जो इसके लहंगे का कलर है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लोज से इसकी ज्वेलरी और इसका ड्रेस ला रही थी। चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लग रही थी, ये पोटली भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो बस अल्लाह पाक सब बहन बेटियों की नसीब अच्छे करे। अब यहाँ पे जो है दूध पिलाए की जो रस्म होती है उसका ये जो प्रॉप है ये सेट नहीं हो रहा था, और ये जो दूध पिलाए वाला ग्लास है ये बहुत नाइस लग रहा था, बहुत डिसेंट सा। अब यहाँ पे जो है मुकद्दस की एंट्री हो रही है दोनों भाइयों के साथ।
अब यहाँ पे जो है छोटी बहन जो है दूध मलाई की रस्म कर रही है, और ये भी मैंने अपने व्लॉग में लाया है क्योंकि छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं वो बहुत ही मज़ा करते हैं। और दूध मलाई की जब रस्म हुई है तब दूल्हे के पापा ने थोड़ा शुगर मेला लगाया, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है तकरीबन सब खड़े हुए थे, दुल्हन और दूल्हे की जितनी भी फैमिली थी, आपस में कजन्स भी हैं, उसकी बहनें भी खड़ी हुई थी। यहाँ पे जो है सब शुगर मेला लगा रहे थे और सब जो है ये ग्लास के ऊपर ये जो छोटी सी पगड़ी पड़ी है इसके बारे में कह रहे थे कि ये जो है बहुत ही यूनिक सी लग रही है और ये बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे जो है दूल्हे के पापा कह रहे हैं कि ये क्या है ग्लास के ऊपर, ये क्या आप लोगों ने रखा हुआ है। तो हमने बोला कि ये जो है ना दूध पिलाई की जो रस्म होती है उसके ऊपर ये रखते हैं। तो दूल्हे के पापा ने उठा के फिर इसको अपने सर पे रख दिया। और यहाँ पे जितने भी हम सब कज़न्स थे सब हम लोग शुगर मेला लगा रहे थे अंकल के साथ। फिर पहले उन्होंने दूध का ग्लास उठाया और उसमें से दूध पिया, और फिर उन्होंने जो है दूल्हे को दिया और फिर दूल्हे को हम लोगों ने पिलाया। और उनको ये लगा कि शायद शुगर मेले में पता नहीं इस दूध में क्या मिला हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो रस्म है ये भी अच्छे से अदा हुई। और अब था खाने का टाइम, तो ये भी मैंने छोटा सा एक व्लॉग बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेन्यू बहुत अच्छा था, खाना बहुत मज़े का था। अपनी तरफ से माँ बाप जो है बच्चियों के लिए बहुत कुछ करते हैं आगे उनकी नसीब, तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी की नसीब अच्छे करे। यहाँ पे हम लोग जो है सब बैठ के खाना खा रहे थे दुल्हन के साथ, और यहाँ पे जो है सब खाना खा रहे थे। और ये भी मैं छोटे छोटे से क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बनाए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। अब यहाँ पे टाइम हो गया रुखसती का, और आप लोगों को पता है कितना इमोशनल टाइम होता है और इतना इनके दुख होता है। बेशक बहन बेटी जो अपने घर ही जा रही होती है, इनके एक ही घर होता है, लेकिन अपना घर छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस अल्लाह पाक सब बहन बेटियों की नसीब अच्छी करे। अब जो है दूल्हे की बहनें दुल्हन को लेके आउटसाइड जो फ़ोटोशूट होता है वहाँ पर जा रहे थे, और हम लोग जो है अब दोबारा बसेस में बैठ के घर जा रहे थे। आउटसाइड शूट करने के बाद दुल्हन जब घर पे आई तो इन्होंने दुल्हन की एंट्री के लिए थोड़ी बहुत खुशी की और ये अनार चलाए। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और यही मौके होते हैं, फिर बंदा वो ना वक्त होता है और ना वो मज़ा होता है। तो जो वक्त गुजर जाए अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ। अब यहाँ पे दूल्हे के जो पापा हैं वो दूल्हे को मिल रहे थे और यहाँ पे दुल्हन को मिल रहे थे, और यहाँ पे जो है उन दोनों की एंट्री हो रही थी। और अब हम लोग इनको लेके ऊपर वाले पोर्शन में आ गए। यहाँ पे जो लाइट्स हैं इनकी भी मैंने वीडियो बनाई, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे जो है मुकद्दस को और बिलाल को बिठाया, और जो रस्में होती हैं जो पहले दुल्हन को कुरान पाक दिया जाता है और दुल्हन जो है कुरान पाक पढ़ती है, फिर उसके बाद जो कुरान पाक में पैसे रखे होते हैं वो रखवाते हैं। और जो छोटी छोटी रस्में होती हैं, और यहाँ पे इन्होंने घड़ा लाया हुआ था रस्म के लिए। जो अक्सर पंजाबियों की जो रस्म होती है गाँव वाली साइड पर तो लोटा रखते हैं, और यहाँ पर जो है शहर में तो जग अक्सर रखते होते हैं। तो इस दफ़ा इन लोगों ने थोड़ा सा जो है रस्म चेंज किया और इन्होंने ये घड़ा लाया है रस्म के लिए। तो है तो बहुत हैवी था ये। सबसे पहले दूल्हे की बड़ी भाभी है, उन्होंने इसकी रस्म की, और अब हम लोगों ने ये वाली रस्म की अंगूठी वाली। और ये जो अंगूठी वाली रस्म होती है ये जो बहुत ही ज़्यादा हर कोई इस रस्म को करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने इस दूध में जब पत्तियाँ फेंकी तो हम लोगों ने इनको बोला कि अब आप लोग जो है रिंग भी ढूंढें। तो अब ये लोग ढूंढ रहे हैं रिंग्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुकद्दस है वो रिंग ढूंढ लेगी, तो वही बात हुई, मुकद्दस ने जो है रिंग ढूंढ ली थी। और अब जो है मुकद्दस को घर ले आया क्योंकि इनका थर्ड पोर्शन है। तो यहाँ पे जो है रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था और माशाल्लाह इसका फर्नीचर बहुत प्यारा लग रहा था, अल्लाह पाक नसीब करे। और यहाँ पे मुकद्दस की जो है रूम में एंट्री हो रही थी,
और यहाँ पे जो है बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई थी, सीलिंग हुई हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो है हर चीज़ बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी। अब लाइट्स ऑन हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं जो है थोड़े बहुत क्लिप्स बना लूँ, और ये बुके बहुत अच्छे लगे थे और फ्रेश फ्लावर्स के थे, और यहाँ पे इन्होंने बेड के दरमियान में हार्ट बनाया हुआ था, और माशाल्लाह मुकद्दस का फर्नीचर बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत ही अच्छी लोगों ने इसकी थीम की है ब्लैक और गोल्डन की, और साथ में ये जो लैम्प्स हैं ये मेरे देवर और देवरानी ने दिए हैं, तो माशाल्लाह कमरा बहुत प्यारा लग रहा था मुकद्दस का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अब रूम में कोई भी नहीं था और मैंने सोचा कि मैं रूम की एक फुल वीडियो बनाती हूँ, और माशाल्लाह रूम बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं मुकद्दस के फर्नीचर की एक फुल वीडियो बनाऊँगी और उस पर एक व्लॉग बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।